हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, फिर खैरियत होंगे। तो बस अभी हमारी सुबह हुई है, अभी फ्रेश होके मैं आया हूँ। आप देख सकते हैं व्यू बहुत अच्छा आ रहा है। तो दोस्तों, मैंने सोचा कि इतने टाइम से यूएई में हूँ और मैंने यहाँ पे अभी एक नई जॉब भी स्टार्ट की है, तो मैंने सोचा कि अब आप लोगों से अपने डेली व्लॉग्स भी मैं शेयर किया करूँ। सो अभी मैं अपने लिए नाश्ता बना रहा हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने अंडे बॉईल करने रखे हैं, साथ में हम कॉफ़ी लेंगे। और जब तक मैं असर का वक्त होने लगा है तो मैं असर की नमाज़ पढ़ लूँ और शर्ट भी चेंज। हमने अपनी नमाज़ पढ़ ली है, असर की नमाज़ जो कि अभी हमने पढ़ी है। अब चलते हैं नाश्ते की तरफ, नाश्ता करते हैं, देखते हैं हमारे एग कहाँ तक पहुँचे हैं। इसी के साथ जो कॉफ़ी का पानी नाश्ता रेडी हो चुका है, जिसमें एग हैं, कॉफ़ी है और साथ में ये हैं बिस्किट्स। तो नाश्ता क्योंकि हमेशा थोड़ा सा लाइट करना चाहिए, तो अभी हम लाइट सा नाश्ता करेंगे। और क्योंकि आज मेरी छुट्टी है, छुट्टी क्या अभी मेरी ज्वाइनिंग ही नहीं हुई है, तो इंशाल्लाह कल परसों से ज्वाइनिंग है। उसके लिए भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं मेरे पास, मेरे स्पेशली पाकिस्तान के कराची के लड़कों के लिए। तो वो मैं सारी चीज़ें डिस्कस करता हूँ अभी जब मैं वॉक पे जाऊंगा, क्योंकि अभी मैं नाश्ता करूंगा, थोड़ा सा मैं प्लेस्टेशन खेलूंगा, फिर मैं जब जाऊंगा वॉक पे तो इंशाल्लाह वॉक भी करूंगा और साथ साथ आप लोगों से कुछ बात भी करूंगा। जब तक मैं नाश्ता करता हूं फिर मैं आपसे मिलता हूं वॉक पे। अच्छा, बताने की बात ये थी कि जो मैं जैसे कि मैंने आपको अभी नाश्ता करते वक्त बताया था कि मेरे पास कुछ हमारे लड़कों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो देखें, मैं मशवरा ये दूँगा कि आप जितना जल्दी हो सके, वैसे तो हमारा मुल्क पाकिस्तान मुझे अपनी जान से भी प्यारा है, बहुत ही प्यारा मुल्क है, लेकिन आजकल जो उसके हालात हो चुके हैं, क्योंकि देखें मैं अपने मुल्क में, मैं बताऊं आज से आप अगर दो साल चार साल पीछे जाएं, चार साल भी नहीं दो साल पीछे जाएं, तो मैं अपने मुल्क में बहुत ज़्यादा खुश था। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतना अच्छा काम कर रहा था बहरिया टाउन का, और एक नंबर तरीके से, जिसमें कोई फ्रॉड नहीं, कोई दो नंबर ही नहीं। क्योंकि अगर मैं चाहूँ फ्रॉड करना तो बहरिया टाउन के डीलर्स अगर चाहें तो बहुत बड़ा फ्रॉड कर सकते हैं। लेकिन आज भी उन डीलर्स को भी सलाम है जो आज भी बहरिया के अंदर बैठे हुए हैं और बहरिया टाउन कराची के अंदर स्पेशली, और जो कि ईमानदारी के साथ अपना काम कर रहे हैं, लोगों को चीज़ें डिलीवर कर रहे हैं और बुरे वक्तों से वो भागे नहीं है। लेकिन मैं जाहिर सी बात है मैं उस लेवल का डीलर नहीं था, मैं थोड़ा छोटा डीलर था, क्योंकि मैंने अपनी मेहनत से वहाँ पर सब कुछ किया, काम किया ईमानदारी के साथ, हर चीज़ करी। मेरी कंस्ट्रक्शन साइट्स भी चल रही थी, जैसे कि मेरे चैनल के ऊपर आपने वीडियोज़ वगैरह देखी होंगी कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारी कंस्ट्रक्शन साइटें भी डिलीवर की हैं। हाँ, बस ये है कि कुछ मामलात की वजह से, जो कि मेरे, मैं अपने क्लाइंट्स की बुराई नहीं करूँगा, जो भी मेरे कंस्ट्रक्शन साइट वाले क्लाइंट थे वो मेरे बहुत ही अच्छे क्लाइंट थे और मैं उनकी तारीफ़ करूँगा, उनको हमेशा अच्छे अल्फाजों में याद रखूँगा कि उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया और मैंने भी उनका साथ दिया। अल्हम्दुलिल्लाह वो कंस्ट्रक्शन साइटें आज अपने फिनिशिंग पर हैं। लेकिन खैर, कंस्ट्रक्शन साइटों के जिक्र तो ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। अभी जो दुबई में मैंने नया काम शुरू किया है, मतलब जो जॉब मैंने शुरू करी है, मैं क्योंकि एक कंपनी में, एक फर्म में मैं जॉब कर रहा हूँ, तो वहाँ पे हमारा वीज़ा कंसल्टेंसी का वीज़ा फाइलिंग का काम है, जिसमें हम लोग यूरोप, यूएस, कैनेडा, ऑल ओवर शेंगेन और भी काफ़ी कंट्रीज़ में हम लोग वहाँ पे वीज़ा फाइलिंग वगैरह कर रहे हैं, जो कि सी मुनासिब रेटों के ऊपर। अगर तो आप यूएस जाना चाहते हैं, अगर आप दुबई में हैं या आउटसाइड दुबई हैं, इनसाइड दुबई हैं, कहीं पे भी हैं, तो आप मुझसे बाय ईमेल रब्ता कर सकते हैं। मैं अपना ईमेल एड्रेस मेंशन कर दूंगा, तो आप मुझसे बाय ईमेल रब्ता कर सकते हैं। मैं ईमेल में आप मुझे या तो अपनी रिक्वायरमेंट या तो अपनी सारी डिटेल आप मुझे शेयर करें, तो मैं आपको बताऊँगा कि उस कंट्री में कैसे जाया जाएगा। और रही बात दुबई की, तो दुबई में मेरे पास मेरे कराची के लड़कों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं एज अ सेल्स मैन। क्यों? क्योंकि मुझे, जाहिर सी बात है, मुझे अभी नया हायर किया है और जिस ऑफिस में मैं अभी हूँ उन ऑफिस में अभी, मतलब मैनेजमेंट पूरी चेंज हुई है, तो मुझे भी जाहिर सी बात है एज अ हेड ऑफ सेल रखा है उन्होंने, तो उसमें मुझे अपने नीचे पूरी एक टीम तैयार करनी है। तो मैं, उन्होंने मुझे अभी दुबई में भी जो इनसाइड लड़के हैं, इनसाइड दुबई हैं, उनकी भी अभी हम लोग हायरिंग कर रहे हैं, जो आउटसाइड दुबई हैं उनकी भी हायरिंग चल रही है। तो अगर तो आप इस वक्त अगर पाकिस्तान बैठे हुए हैं या इंडिया बैठे हुए हैं और अगर आप सेल्स जॉब करना चाहते हैं
और इसमें कमीशन प्लस सैलरी, अगर ये आपके ऊपर है कि अगर आप फुल कमीशन में करना चाहें तो वो भी बहुत अच्छा कमीशन है, अगर आप सैलरी प्लस कमीशन में काम करना चाहें तो वो भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे पास। तो दोस्तों मैं तो आपको यही मशवरा दूंगा कि इस वक्त हमारे मुल्क के हालात बहुत बुरे हो गए, क्योंकि मैं भी मेरे लिए भी सर्वाइव करना मुश्किल है। मैं भी ये आपके दर्द को, आपकी फीलिंग्स को समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं भी अभी कराची में रह रहा हूँ और अभी भी मेरा वहाँ पे घर है। तो लेकिन मुझे भी मजबूरी में अपनी फैमिली को सब कुछ छोड़ के मुझे यहाँ दुबई में आना पड़ा काम के लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है हम लोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो दोस्तों मैं भी आप लोगों को यही मशवरा दूंगा कि अगर तो आप लोग तंग आ गए हैं कराची से, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कराची में कुछ बचा नहीं, कराची में क्या पाकिस्तान में कुछ बचा नहीं है, ये जो हमारे बेगैरत हुक्मरान बैठे हुए हैं इन लोगों ने जो पाकिस्तान की हालत की है इतनी बुरी हालत कर दी है कि आम आदमी के लिए लग्जरी लाइफस्टाइल गुजारना तो बहुत दूर की बात है, लोगों का डेली बेसिस पे अपना सर्वाइवल तक इतना मुश्किल हुआ है। क्योंकि ये सारी बातें मैं इसलिए जानता हूँ और मैं बोल रहा हूँ आपको क्योंकि मेरा भी सर्वाइवल वहाँ पे पाकिस्तान में मुश्किल हुआ था। हाँ, अगर मैं दो नंबर ही करना चाहता, मैं फ्रॉड करना चाहता, तो मैं एक समझ लें कि मैं एक ऐसी इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखता हूँ कि जिसमें मैंने अपने क्लाइंट्स को जो भी सेल परचेजिंग करवा के दिए, तो मैंने करोड़ों रुपये की सेल परचेज करवा के दिए उनको। अगर मैं चाहूँ आज भी बाएतमाद बासेफ उनके डॉक्यूमेंट्स हमारे पास होते हैं, हर चीज़ हमारे पास होती है, लेकिन कभी हमने उसका मिसयूज़ नहीं किया, ना मैं कभी होने दूंगा और ना मैं खुद करूंगा। तो कहने का मकसद है अगर मैं फ्रॉड करना चाहूं तो मैं एक से दो दिन के अंदर आराम से करोड़ों रुपए का फ्रॉड कर सकता हूं, या मैक्सिमम एक हफ्ते के अंदर मैं बहुत अच्छा फ्रॉड करके मैं भाग के आ सकता हूं। लेकिन फ्रॉड का पैसा ज्यादा दिन टिकता नहीं है, ज्यादा दिन चलता नहीं है, एक ना एक दिन आपने अल्लाह को भी जवाब देना, और जिसके साथ आप बुरा करेंगे तो उसका मालिक तो फिर आपको पता ही है कि फिर क्या होगा आपके साथ। खैर, मेरे पास जो अभी अपॉर्चुनिटी है मैं आप लोगों को यही मशवरा दूंगा कि जल्द से जल्द जितना जल्दी हो सके अपने घर वालों का सोचें, वहां से निकलें और यहाँ पर आके कोई भी काम कुछ भी करने की करें। मैं ये नहीं कहता आप मेरे पास आएँ या आप मेरे थ्रू काम करें, मैंने जस्ट आपको एक ये बताया कि जो लड़के हमारे परेशान हैं जॉब वगैरह को लेके, तो मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है, अगर आप काम करना चाहते हैं तो मेरे साथ भी काम कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई और भी तरीका है यहाँ पे काम करने का, क्योंकि ये दुबई जो है ये अपॉर्चुनिटी का मतलब समझ लें, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज पड़ी हुई है, रोडों पर पड़ी हुई है, उठाने वाला कोई होना चाहिए, काम करने वाला कोई होना चाहिए। अगर तो आप काम करने वाले हैं, आपके अंदर सेल्स की स्किल्स हैं, आपके अंदर अच्छा टैलेंट है, तो मैं ये कहूँगा कि आप वहाँ पे बैठ के अपने टैलेंट को वेस्ट ना कीजिए, आप सोचें समझें स्टेप लें, और मतलब ज़्यादा सोचेंगे तो सोचते ही रह जाएंगे, एक से दो दिन सोचें और अपनी ज़िंदगी के बारे में एक अच्छा फैसला करें। क्योंकि मेरा मानना ये है कि आज आप निकलेंगे तो शायद अभी भी कुछ वक्त है कि आप कुछ ना कुछ कर जाएं। तो मेरा मशवरा यही होगा मेरे लड़कों का कि अगर तो आप यहाँ पे आना चाहते हैं, बहुत से रूमर्स फैले हुए हैं कि दुबई में जॉब्स नहीं है या पाकिस्तानियों के वीज़े बंद किए हैं, बिल्कुल ऐसे ही है, वीज़े बंद थे लेकिन अभी 4-5 दिन पहले वीज़े वगैरह खुल चुके हैं पाकिस्तानियों के लिए, और इंडियंस के लिए तो वैसे ही शुरू से ही वीज़े खुले हुए थे, उनका तो बंद ही नहीं था। तो मेरा मशवरा यही होगा मेरे लड़कों को, चाहे लाहौर से, इस्लामाबाद से, कराची से, पाकिस्तान से, इंडिया से, मुंबई से, दिल्ली से, लखनऊ से, कहीं से भी हैं, तो मेरा मशवरा ये होगा कि आप लोग निकलें और अपने लिए कुछ ना कुछ अच्छा करें। क्योंकि यहाँ पे आज आप मेहनत कर लेंगे, सिर्फ 5 साल आपने यहाँ पे ख्वारी उठानी है, 4 से 5 साल, तो आगे के आपकी सारी ज़िंदगी सुकून से गुजरेगी। सिर्फ ये 5 साल अपने आप को रगड़ा दे दो, बाकी की ज़िंदगी आराम सुकून से गुजारो मेरे भाई। तो ये एक अपॉर्चुनिटी थी जो मैंने अपने दोस्तों से, अपने व्यूवर्स से शेयर की है। बाकी बस अब मैं निकलने लगा हूँ वॉक पे, मेरे एयरपोर्ट्स वगैरह ये पड़े हुए, गाड़ी की चाबी, बस अब निकलते हैं। तो मैं अभी बस जा रहा हूँ वॉक के ऊपर और फिर आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे बीच वगैरह कितना अच्छा है। और मेरे घर के पास जो छोटा सा कॉर्निश बना हुआ है जो कि बहुत ही खूबसूरत है, अक्सर मैं वहाँ पे रात को वॉक करता हूँ तो मुझे बड़ा मज़ा आता है। इधर भी ह्यूमिडिटी अभी इस वक्त बहुत ज़्यादा हो रही है, गर्मी है अभी बहुत हो रही है, वैसे तो मैंने सुना पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा गर्मी हुई है लेकिन इधर भी अभी बहुत गर्मी चल रही है।
तो इधर जितना आप वॉक करते हैं और डाइट अच्छी लेते हैं तो उतना आपका फैट बर्न अच्छे से होता है और आप फिट रहते हैं। ये सामने बिल्कुल कॉर्निश है जहाँ से ये टैक्सी आ रही है, यहाँ पे हम थोड़ी सी वॉक वगैरह करेंगे और उसी के साथ इस व्लॉग को एंड कर देंगे। दोस्तों इसी के साथ हम करेंगे अपने व्लॉग को ख़त्म। तो जो जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है, जो भी मेरा भाई या बहन हमारे साथ काम करना चाहती है, लड़कियों के लिए भी ये अपॉर्चुनिटी है, लड़कों के लिए भी अपॉर्चुनिटी है, तो आप मेरे ईमेल पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं आपको ज्वाइनिंग की सारी डिटेल्स उधर ही मेंशन करके मैं गाइड कर दूंगा। तो दोस्तों इंशाल्लाह अपना ख्याल रखें, मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो में किसी इन्फॉर्मेशन के साथ, किसी अपॉर्चुनिटी के साथ। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।